दोस्तों ये वाली आइसक्रीम ना मैंने अपने बचपन में ही कभी खाई थी और काफ़ी सालों के बाद आज मेरा मन किया कि मैं यही वाली आइसक्रीम ट्राई करूं और सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूं। तो चलिए बिना देरी किए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने गोल्ड वाला दूध लिया है, फुल क्रीम है ये, कोई भी वेराइटी का आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ सरस का लिया है, थोड़ा मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है, तो करीब ये 150 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा है। नारियल के बुरादे को मैंने दूध में भिगो करके रखा है करीब 3 से 4 घंटे के लिए। फ्रिज में रख दिया था मैंने क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ये दूध फट सकता है, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। और ये देखिए नारियल का बुरादा काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसकी आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ये देखिए ये जो नारियल के बुरादे वाला दूध है इसी में हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह अगर आपको डेयरी वाइटनर मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं, आजकल सब जगह अवेलेबल है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, करीब 5 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच है वही भर करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास में मिल्क पाउडर, डेयरी वाइटनर कुछ भी ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिए, करीब 2 से 3 चम्मच। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं वो तोड़ देते हैं और अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेते हैं। कॉर्नफ्लावर से भी इस आइसक्रीम में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो आपके पास में जो अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल लीजिए। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो ये देखिए करीब 20-25 मैंने बादाम लिए हैं भिगो करके, छील करके, और करीब 20-25 ही मैंने लिए हैं काजू। और अब हमें क्या करना है, काजू बादाम इनका पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के लिए हमने ये जो नारियल वाला दूध है ये इसमें ऐड किया है थोड़ा सा, ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए, ये देखिए। और अब हम इसे चला देते हैं, एक बार चलाएंगे, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके फिर से इसे चला देंगे, तो एक स्मूथ पेस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा। दोस्तों आप ना एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं गारंटी से कह रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगी ये आइसक्रीम की रेसिपी, और बच्चे हर बार इसी आइसक्रीम को खाने की डिमांड करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बजट फ्रेंडली भी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो ये देखिए पेस्ट हमारे पास तैयार हो गया है, और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने दूध ऑलरेडी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो जैसा कि मैंने दिखाया फुल क्रीम दूध है ये, दूध को उबलने देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये जो नारियल का बुरादा भिगोया हुआ दूध था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो ये देखिए 1 कप भर करके मैंने चीनी डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास ये जो अभी मेजरिंग कप है ये 1/2 कप वाला मेजरमेंट है, तो 1 कप चीनी मैंने डाली है। अगर आपके पास में मेजरिंग कप है तो, नहीं तो आप ये जो मैं दूध चला रही हूँ ना चमचा, ये वाला 2 चमचे भर करके डाल दीजिएगा, काफ़ी अच्छा मीठा हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कम लगता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था काजू बादाम और नारियल का, और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे, ताकि जो ये काजू बादाम और नारियल का बुरादा है ये अच्छे से पक जाए और ये जो दूध है ये थिक हो जाए। तो ये जो मिक्सी जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। दूध जैसे जैसे उबलेगा ना तो दूध की क्वांटिटी कम नहीं होगी, ये जो काजू बादाम और नारियल का बुरादा है ये फूलेगा, इससे ये दूध में गाढ़ापन भी आ जाएगा और जो दूध की क्वांटिटी है वो कम नहीं होगी। तो उबलने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध जले नहीं। तो ये जो पूरा पेस्ट हमने तैयार किया था ये इसमें डाल दिया है, और अब इसे हम उबलने देते हैं करीब 10-15 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते रहेंगे और साइडों से हम इसे छुड़ाते भी जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनती है ये, तो आप जब भी बच्चे आइसक्रीम की डिमांड करें ना आप ये वाली आइसक्रीम बना करके खिलाइएगा, और बच्चे ही क्या आप भी इस आइसक्रीम को बना करके खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए दूध काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी भी कम नहीं हुई है, तो पूरे दूध की आइसक्रीम मिलेगी हमें। तो बस थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ये देखिए इस तरह से चेक कीजिए आप। तो ये देखिए अभी जब ये ठंडा होगा ना तो और गाढ़ा होगा,
तो अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के लिए मैंने इसे रख दिया है और आप देख सकते हैं चम्मच पे कितनी बढ़िया लेयर इसकी बन रही है। और ठंडा होने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से गाढ़ा हुआ है, ये देखिए। तो बस अब हम इसके जमा देंगे आइसक्रीम। तो जो भी आपके पास में डब्बा, डिस्पोजेबल या फिर गिलास, कटोरी, जिसमें आप इसकी आइसक्रीम जमाना चाहें जमा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये केक टिन ले रही हूँ और केक टिन में मैं आपको ये आइसक्रीम इसलिए जमा करके दिखा रही हूँ कि अगर आप केक पर क्रीम वगैरह पसंद नहीं करते हैं और मार्केट के केक पसंद नहीं करते हैं, तो आप ये आइसक्रीम बनाकर भी केक की तरह से बच्चों से कटवा सकते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे वहाँ पर केक नहीं मिलते थे, तो हमारे मम्मी पापा इस तरह से ही जुगाड़ करके हमसे केक कटवाते थे। तो अब हम इसे रख देते हैं फ्रीज़र में जमने के लिए करीब 7-8 घंटे के लिए। और 7-8 घंटे के बाद में ये देखिए कितनी बढ़िया ये आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। अब हम इसे इस टिन में से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसे रखती हूँ थोड़े पानी में ताकि ये साइडों से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और निकालने में आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों, जब हम छोटे थे ना तो हमारे मम्मी पापा ना ऐसे ही जुगाड़ करते थे, जैसे आइसक्रीम को जमा देते थे फिर उसे निकाल लेते थे, या फिर हलवा जमा देते थे, या फिर कलाकंद होता था उसे किसी डब्बे में जमा करके शेप दे देते थे। तो आप में से किस किस ने अपने बचपन में इस तरह से केक काटा है, आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए आइसक्रीम निकालने के बाद में कितनी क्रीमी ये आइसक्रीम बनी है, काट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनती है। और आज जब मैंने अपने बच्चों को ये आइसक्रीम खिलाई, बस एक ही बात थी उनकी ज़ुबान पर कि मम्मी आपने ये आइसक्रीम आज से पहले कभी क्यों नहीं बनाई, हमें तो आप हमेशा यही बना करके दे दिया कीजिए, हम मार्केट से कभी आइसक्रीम की डिमांड नहीं करेंगे। तो ये देखिए एक पीस मैंने कट करके दिखाया है और कितनी मज़ेदार ये आइसक्रीम बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।